नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपका एआई एंकर निष्पक्ष। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महोबा से। महोबा के एक तालाब में शख्स का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। करीब एक घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव को बाहर निकाला गया, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या बजे घर से निकले थे? 6-7 बजे के। क्या नाम था? सुखदीन। सुखदीन, आपका कौन था ये लड़का? क्या लड़के हैं आपके? दो। ये बड़ा था छोटा? छोटा बड़ा। कितने बच्चे हैं इनके? दो नाती एक नातानी, तीन है। पौड़ी के थाना लैंसडाउन में देवडाली रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। घटना में कार में सवार चार लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक चारों लोग गुमखाल बाजार से अपने गांव देवडाली जा रहे थे। बड़ी मशक्कत के बाद वहां पर रात को रेस्क्यू किया गया। हालांकि फिर एक सुबह भी रेस्क्यू चला था। क्या था ये प्रॉब्लम? देर रात्रि थाना लैंसडाउन में सूचना मिली कि देवडाली गुमखाल रोड पे एक अल्टो गाड़ी जो है वो गिर गई और उसमें चार लोग सवार थे। सूचना पे तत्काल चौकी गुमखाल से व थाना लैंसडाउन से फोर्स भेजी गई। मणिपुर में हुई हिंसा में आरोपियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग को लेकर भीम आर्मी के हरिद्वार जिला अध्यक्ष दीपक रविदासिया के साथ कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा है। रुद्रप्रयाग में जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया है कि पिछले दिनों गौरीकुंड डाट पुलिया के पास भारी भूस्खलन की वजह से लापता हुए 20 लोगों का सातवें दिन भी डीएम की निगरानी में सर्च रेस्क्यू जारी है। उत्तरकाशी के जिला मुख्यालय में रुद्राक्ष वाटिका और मनेरा रोड पर नमामि गंगे योजना के तहत अधिकारियों और आईटीबीपी के अधिकारियों ने पौधारोपण किया गया। रुड़की पहुंचे राष्ट्रवादी जन लोक शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेवात की घटना पर गहरा अफसोस जताया। साथ ही कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से मेवात में बड़ी घटना घटी, जिसकी वो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो हमारे बहुत सारे संगठन हैं, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है और भी अनेक संगठन हैं, वो लोग क्या चाहते हैं? क्या वो वही चाहते हैं जो पाकिस्तान की ISI या जो चाइना की एजेंसी है वो चाहते हैं हमारे देश में? अगर आप इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे तो पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं वो ये चाहती हैं। टनकपुर शारदा रेंज वन विभाग की टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें कि वन विभाग ककराली गेट वन विभाग के बेरियल पर चंपावत की तरफ से आ रहे टैंकर को रोका गया। उस पर शक होने पर जब उसकी जांच की गई, टैंकर के अंदर लिसा उत्पाद बरोजा और तारपीन तेल भरा पाया गया। शारदा वन रेंज वन क्षेत्र अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया। गोरखपुर में हुई हल्की सी बारिश के बाद गोरखपुर का जिला अस्पताल तालाब में तब्दील हो गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गेट से जाएंगे? क्यों उस गेट से जाएंगे? नहीं है तो क्या करें? गेट से भी पानी भरा होगा ना। आइए बताओ, क्या जिला अस्पताल में क्या दिखाई दे रहा है? आप पानी है, क्या कहना चाहेंगे इस व्यवस्था के ऊपर? क्या देखें, सड़क ऐसा बनाई है, नगर निगम ध्यान नहीं देती है। संभल जिले की बनियाठेर थाना पुलिस ने मानव तस्कर गैंग का खुलासा किया है। एक साल पहले गाजियाबाद जिले से नाबालिग का अपहरण कर 28,000 रुपए में बेचने वाले गिरोह के महिला सहित 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत नाबालिग बच्ची को बरामद कर उनके परिजनों को सौंप दिया। अंतर्गत मंशा देवी कस्बा नरौली में पुलिस को सूचना मिली थी कि अशोक पुत्र राजपाल के यहाँ पर एक नाबालिग लड़की जबरदस्ती रखी गई है। इस संबंध में पुलिस ने जब तफ्तीश की और जांच की तो ये पाया गया कि लड़की
को, नाबालिग लड़की को गाज़ियाबाद से एक साल पहले ज़बरदस्ती यहाँ पे लाया गया था और अशोक नामक व्यक्ति को 28,000 रुपये में बेचा गया था। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।